हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। गाइस, आप सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश कोर्स। गाइस, आज आप इस वीडियो में सीखेंगे कुछ डेली यूज में होने वाले सेंटेंसेस। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से अपने इंग्लिश के बेस को कंप्लीट किया जा सके और इंग्लिश के बेस पर ही कैसे हम इंग्लिश को इम्प्रूव करें और बेस के साथ साथ किस तरह से हम अपने इंग्लिश को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करें और कन्वर्सेशन में इंग्लिश को यूज करें। तो गाइस, ये बहुत ही सिंपल है कि इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें और कैसे हम दूसरों से इंग्लिश में टॉकिंग करें, कन्वर्सेशन करें। ये बहुत आसान है, बस हमें थोड़ी सी कोशिश करनी होती है। ऐसे ही आज भी मैं आपको लेकर आया हूँ कुछ ऐसी नॉलेज इंफॉर्मेशन जिस वजह से आप अपने इंग्लिश को बेहतर तरीके से इम्प्रूव भी कर लेंगे और दूसरों के सामने इंग्लिश में टॉकिंग भी कर पाएंगे। गाइस, जब भी हमें अपने आप के बारे में बताना होता है, खुद के बारे में बताना होता है, अपने प्रोफेशन के बारे में बताना होता है, या फिर कहा जाए कि हमें खुद के बारे में बताना है कि मैं कौन सा काम करता हूँ, मेरे अंदर कौन सी हैबिट है या मेरा क्या रूटीन है, इस तरीके की जो भी बातें होती हैं, जो भी टॉकिंग होती है, वो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ। और ध्यान रहे कि जो भी बात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको किसी भी टेंस से रिलेट ना करें, क्योंकि टेंस से रिलेट करने पर हमें बहुत सारे फॉर्मूले याद करने होते हैं, लर्न करने होते हैं, जिस वजह से हमारी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड आते हैं उसको लेकर के फिर हमें इंग्लिश को लर्न करना होता है, और जब हम स्पीकिंग करते हैं तो उस जगह पर हम अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप समझेंगे जो भी बात आपको बतानी है, आपका क्या रूटीन है, क्या आपकी हैबिट है और क्या आप करते हैं, बस वो चीज़ आपको बतानी है। यही चीज़ यदि आपको पास्ट में बताना है तो सेम कंडीशन है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, बस हमें उसके सेंस को समझना है। किसी भी तरीके की कोई भी हमें चीज लर्न नहीं करनी है और ना ही कोई फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ओके गाइस, बेसिक इंग्लिश कोर्स क्लास 13 है अपना, और इससे पहले की वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि मैं 15 डेज का कोर्स लेकर आया हूँ और 15 डेज में आपका पूरा बेस कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश का। और फिर लेकर आऊंगा मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ, डायरेक्ट आपको इंग्लिश बोलना सिखाने वाला हूँ। कोई भी आपको फॉर्मूले लर्न नहीं करना है, बस डायरेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग कराना सिखाऊंगा मैं। ओके गाइस, तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, जो भी आदत है आपकी, जो भी हैबिट है आपकी, जो एक्टिविटी है, जो भी काम आप करते हैं, जो कर्म आप करते हैं, उसको सिंपली बता देना है। यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब पर झंझट नहीं है और ना हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। ओके गाइस, प्रेजेंट में आप पहले ले लेंगे, देखिए आई विद के साथ प्रेजेंट, यदि वर्तमान की बात हो रही है, एट द मोमेंट की बात आप कर रहे हैं, मेरे अंदर ये अभी हैबिट है या ये मैं ये काम करता हूँ, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, तो आप ध्यान से यहाँ पर समझें, आई विद के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, बस सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और कौन सा काम आप करते हो, क्या आपकी हैबिट है और रूटीन क्या है, तो यहाँ पर आप उसके बाद बोल सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर समझने वाली एक बात है, ही सी नेम इट के साथ वर्ब तो आएगी, लेकिन उसमें एस यूज किया जाएगा या फिर ई एस या फिर आई ई एस, ये डिपेंड करता है कि वर्ब में कौन सी वर्ब में, ये डिपेंड करता है कि कौन सी वर्ब में एस लगा है और कौन सी वर्ब के एंड में ई एस या आई एस का यूज किया जाए। अब इस पर मैं आपको अभी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। इस पर एक छोटी सी वीडियो मेरी, वर्ब में एस ई एस या आई एस का कैसे यूज करें, तो गाइस वो वीडियो जरूर देख लेना, चैनल पर आपको मिल जाएगी और बिल्कुल शुरुआत की वीडियो है, आपको उस वीडियो को एक बार जरूर देखना चाहिए ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स एस ई एस या आई एस वाली सॉर्ट आउट हो सके। तो गाइस बस इसको समझ लेना है। अब बात करते हैं कि कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जिससे हम समझ सकें कि एस ई एस या आई एस इनके साथ यूज करना है। तो गाइस इसके साथ में आप एक चीज यूज कर सकते हैं, एक चीज समझ सकते हैं। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये सभी के सभी,
और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको, किसी भी चीज में एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे मैंने कहा मैंगो मैंगोज, पेन पेन्स, मोबाइल मोबाइल्स, तो ये सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है जिसमें एस लगा दिया। तो गाइस इसी तरीके से इनको भी आप समझ सकते हैं। जब हमें कोई भी किसी की रूटीन बताना हो किसी का, या किसी कोई हैबिट बतानी हो, कोई किसी का काम बता रहा है कि ये काम करता है, थर्ड पर्सन की जब बात की जाए तब उनके साथ में वर्ब में एस ई एस लगाना है। इट मीन्स वो सिंगुलर है थर्ड पर्सन, तो उनको प्लूरल वर्ब चाहिए, तो प्लूरल वर्ब आप यूज कर सकते हैं, ऐसे भी आप समझ लेंगे। और गाइस इनका आप मैटर वीडियो देखकर ही समझ जाएंगे, क्योंकि तो इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। ओके गाइस, तो ये समझ गए हैं, ये बात हुई प्रेजेंट की। अब पास्ट में क्या करें गाइस, पास्ट में कोई झंझट नहीं है, सभी के साथ सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अब बात करते हैं फ्यूचर की, फ्यूचर में भी कोई झंझट नहीं है, फ्यूचर का मैटर अलग है, मैं अभी आपको बता दूंगा कि फ्यूचर में गागेगी से रिलेटेड कोई भी वर्ड यूज ना करें, क्योंकि गागेगी के चक्कर में हम फंस जाते हैं और वहां पर इंग्लिश रॉन्ग कर जाते हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे कि मैं पढ़ना चाहूंगा, इसमें भी गा आ गया, तो आप क्या करेंगे, आपको जाना होगा, जाना होगा, जबकि इस सेंटेंस में विल का यूज ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी लास्ट में गा आ गया। तो गाइस इस गा के चक्कर में गा गी गे, इस तरह की जो हिंदी से रिलेशन आप बनाते हैं इंग्लिश का, रिलेट करते हैं इंग्लिश में, तो ये चीज ना करें। हिंदी एक अलग लैंग्वेज है और इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज अपने आप में पूर्ण है और इन दोनों को सेंस से समझा जा सकता है। हिंदी का सेंस अलग तरीके से समझेंगे आप और इंग्लिश को अलग सेंस से समझेंगे, तभी आप इंग्लिश को फर्राटेदार बोल पाएंगे। गाइस ये चीज आप समझ गए होंगे। सेकंड फॉर्म लगनी है हमारी पास्ट में। अब पास्ट में क्यों लगनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी के साथ में लगनी है। अब ये समझने वाली बात है कि सेकंड फॉर्म क्यों लगाते हैं, कोई और चेंजिंग क्यों नहीं कर सकते, तो और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब सेकंड फॉर्म कैसे यूज की जाती है, ध्यान रखिए, एक अभी प्रेजेंट की बात हुई और वही बात जब आप पीछे ले जाते हैं तो वो बात सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। ये चीज को हमें अपने आप में ग्रहण करना है, ग्रेट करना है, समझना है कि जो चीज अभी प्रेजेंट की है एक ए वाली फॉर्म हो गई है, और जब वो पीछे जाएगी, इट मीन्स जब वो पास्ट में हो जाएगी, तो वो सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी, वो पास्ट हो जाएगी। सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। तो गाइस सेकंड फॉर्म जो होती है वो हमारी पास्ट की होती है, हमेशा याद रखें इस चीज को। अब बात आती है कि हम किस तरह से वर्ब्स को लर्न करें कि ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। गाइस इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, फॉर्म के साथ साथ मैंने प्रत्येक वीडियो में, लगभग प्रत्येक वीडियो में फॉर्म के साथ साथ उनकी सभी फॉर्म्स और एग्जाम्पल्स भी साथ में बताए हैं। लेकिन आपको ये वीडियो सर्च करना होगा मेरे चैनल पर, एक बार आप देख लें, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लें, और मीनिंग वाली प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्रत्येक वीडियो देखकर अपने कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, जो भी आपकी कंफ्यूजन है। और आप किस तरीके से वर्ब सीखना चाहते हैं, या आपको पूरी फॉर्म्स आती हैं या नहीं भी आती हैं, तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपके लिए सभी फॉर्म्स के साथ एग्जाम्पल सहित मैं लेकर आऊंगा वीडियो। गाइस बस आपको कमेंट करना होगा। ओके तो गाइस यहाँ पर ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और बस आसान तरीके से समझ लेते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। तुम उससे पीटते हो, यू बीट हिम। यहां पर जरूरी नहीं कि खुद की बात की जाए, किसी की भी बात कर सकते हैं। तुम उसे पीटते हो, यू बीट हिम। हम बी एच ई एल में जॉब करते हैं, हम बी एच ई एल में जॉब करते हैं। वी डू द जॉब इन बी एच ई एल, या आप भेल भी बोल सकते हैं। वे रोज क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट डेली। गाइस अभी आपने सीखा आई यू वी दे के साथ में। अब बात करते हैं ही सी नैम इट, इन सभी के साथ में प्रेजेंट की बात अभी कर रहे हैं, इसके बाद लगे पास्ट। वह यहां रोज आता है, ही कम्स हियर डेली, ही कम्स हियर डेली। वह दस में पढ़ती है,
बोला हो किसी को, ये इतने में पढ़ती है या इस चीज की वो तैयारी करती है, तो आप बोल सकते हैं सी स्टडीज इन टेंथ, सी स्टडीज इन टेंथ। राहुल होमवर्क करता है, राहुल डज द होमवर्क। वह आसमान में उड़ती है, जब किसी पक्षी की बात करनी हो, किसी भी पक्षी को बोलना हो, वर्ड्स को बोलना हो, तो एक के लिए हम इट का यूज करते हैं, इट मीन्स वह होता है, किसी एनिमल्स के लिए भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पर स्काई की बात हो रही है, आसमान में उड़ने की, तो हम पक्षी की बात कर रहे होंगे। इट फ्लाइज इन द स्काई, इट फ्लाइज इन द स्काई। वह मुझे बुलाती है, सी कॉल्स मी, वह मुझे बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। ओके, अब बात करते हैं हम पास्ट की। गाइस पास्ट में कोई भी बात आपको बोलनी है, अपनी कोई हैबिट हो पुरानी वो बतानी हो, पुराने काम बताने हो, मैं काम करता था, क्रिकेट खेलता था, मैं स्कूल जाता था, पुरानी यादें बताने के लिए सेकंड फॉर्म का ही यूज करना होता है। तो आप पुरानी यादें बता सकते हैं जो छोड़ दी हैं आपने, या फिर जो आपको बताना हो, रूटीन हैबिट, जो कुछ भी आपको पुरानी बात बतानी हो, जनरल सी बात बतानी हो, सामान्य सी बात बतानी हो, कोई विशेष बात ना हो, सामान्य बिल्कुल रोजाना वाली बात है, तो ऐसी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये सामान्य सी बातें हैं, कोई स्पेशल नहीं है इसमें, नहीं ये काम बहुत ज़्यादा करता था, कोई बात नहीं यहाँ पर हम बोल रहे हैं, या फिर ये मैं करता था बहुत ज़्यादा, मेरी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी इस काम को करने की, वो बात अलग हो जाती है ना वो बात, जैसे कि मैं ये काम किया करता था, तो उस पर ज़्यादा प्रेस राइट हम कर रहे हैं उसको, और ज़्यादा हम उस पर प्रेशर दे रहे हैं उसको, ज़्यादा जोर देकर बता रहे हैं। तो गाइस इस तरह से नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल सिंपल बात को बताया जा रहा है। ओके, अब बात करते हैं पास्ट की। मैं इंग्लिश पढ़ाता था, आई टॉट इंग्लिश, टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट। वह क्रिकेट खेलता था, ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता था, ही प्लेड क्रिकेट। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो तीनों एक जैसी होती है, जैसे कट कट कट, और कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी दो एक जैसी होती है, सेकंड और थर्ड, जैसे प्ले प्लेड प्लेड, और कुछ ऐसे होती हैं जिनकी तीनों ही डिफरेंट होती हैं, जैसे कि ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, टेक टुक टेकन। ये सारी चीज़ें आप वर्ब्स वाली वीडियो देख लेना, तो उसमें सभी चीज़ें मिल जाएंगी और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मैं चाय पीता था, आई टुक टी, मैं चाय पीता था, आई टुक टी। वह आसमान में उड़ती थी, इट फ्लू इन द स्काई। गाइस ये तो रहे प्रेजेंट और पास्ट, अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर के लिए हमें क्या करना होगा, गाइस पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उस वीडियो के एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उसके बाद वाली ही वीडियो ये है। जब तक आप पहले वीडियो नहीं देखेंगे, उसके आगे वाली वीडियो नहीं देखेंगे, उसके पीछे वाली वीडियो बहुत कम समझ में आती है, और ये आप देख रहे हैं इसके बाद आने वाली वीडियो भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। गाइस अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर के लिए हम विल का यूज करते हैं, श्योर है कि आगे के लिए हम विल का यूज करते हैं, बट गाड़ी से कोई रिलेशन हमारा नहीं होता है। बात जब हमारी प्रेजेंट की हो तो हम ये कर लेते हैं, पास्ट को सेकंड फॉर्म, लेकिन गागे के लिए जब हम विल का यूज नहीं करते तो फिर करते कहाँ है, बड़ा क्वेश्चन तो यही है हमारा। गाइस जब भी आपको अपनी प्लानिंग बतानी हो, जब भी आपको अपनी प्लानिंग बतानी हो, आपको अपने नेक्स्ट मूवमेंट बताना हो, तब हम विल का यूज करते हैं। सामान्य सी बात हो, बिल्कुल जनरल बात हो, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको करना ही होगा ये काम, आपको करना ही होगा, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, किसी पर प्रेशर किया जा रहा है, जोर जबरदस्ती की जा रही है, किसी को याद दिलाया जा रहा है आपको ये करना ही होगा, वरना वरना शब्द आ गया है, तो एक बात जब बोली गई है तो उस पर क्वेश्चन उठ रहा है, इट मीन्स उसको प्रेशराइज किया जा रहा है। और अगर मैं बोल दूँ कि मुझे कल स्कूल जाना होगा, मुझे स्कूल जाना होगा, ये भी कोई नॉर्मल बात नहीं है। और अगर मैं इस विल के साथ बोलूं कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, इस पर किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, ये अपनी बात बता रहा है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, या बोला जाए कि नॉर्मल सी बात है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, रोजाना जाता हूं तो मैं कल भी स्कूल जाऊंगा। तो गाइस इस तरह की बातों के लिए विल का यूज किया जाता है।
विल के लिए हमें हिंदी सेंटेंस को याद करने की जरूरत नहीं है कि उसके लास्ट में क्या आना है, अपने अगले मोमेंट में क्या करने वाले हो या फिर अपने प्लानिंग को बताना हो तब विल का यूज करती है। जैसे मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो, या सिंपल सा बोल सकते हैं आप मैं कल आऊंगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं मैं आऊंगा, आई विल कम, जरूरी नहीं है कि टुमारो लगाएं, आप बोल सकते हैं मैं 10 बजे आऊंगा, अभी आऊंगा, 1 मिनट बाद आऊंगा, कुछ भी आप बोल सकते हैं, नेक्स्ट मोमेंट की बात हो रही है। अगला सेंटेंस, वह एक गीत गाएगी, शी विल सिंग अ सॉन्ग, शी विल सिंग अ सॉन्ग, हम एक क्लास ज्वाइन करेंगे, वी विल ज्वाइन दिस क्लास, हम एक क्लास ज्वाइन करेंगे, वी विल ज्वाइन दिस क्लास। गाइस यहां पर तीनों सेंटेंस से आप समझ गए होंगे कि सभी के साथ में विल का यूज होना है, यहां पर कोई भी चेंज नहीं करनी है किसी भी प्रकार की, विल सभी के साथ सेम तरीके से यूज किया जाता है, ऐसे ही पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है सभी डूअर्स के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ, बट चेंजिंग होती है तो सिर्फ प्रेजेंट में होती है, थोड़ी सी चेंजिंग है वो आप समझ जाएंगे, 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। गाइस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं जानता हूं कि आपको शायद पहले से आता होगा, बट आपको कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है प्रत्येक वीडियो में कि जो या तो आपको याद नहीं होती है या फिर हमें मालूम नहीं होता है। तो गाइस जहां से भी नॉलेज मिले हमेशा नॉलेज को हमें इम्प्रूव करते रहना चाहिए, अवेयर होते रहना चाहिए। तो गाइस ये था आज का वीडियो और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और हाँ यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो गाइस इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर पुश कर देना, वीडियो तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, यदि नहीं किया हो तो लाइक कर दें, वीडियो पसंद ना आया हो तो डिसलाइक जरूर करके जाएं, कुछ ना कुछ जरूर करें लाइफ में, इसलिए कुछ तो करें कम से कम। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।